नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ वो विश्व प्रसिद्ध लाल किताब का एक टोटका है दोस्तों। जी हाँ, वही विश्व प्रसिद्ध किताब जिसके सभी टोटके विश्व में प्रसिद्ध हैं और सभी सिद्धमय टोटके हैं, जिसने भी उसे किया है उसको लाभ जरूर मिला है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ, व्यापार बढ़ाने के लिए गजब का टोटका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखते रहिए। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स, ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर, व्यापार को बढ़ाने के लिए गजब का टोटका। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रखें, ऐसा करते वक्त आपको कोई देखे ना। पूजा घर में अभिमंत्रित श्री यंत्र जरूर रखें। शुक्रवार की रात 1.25 किलो चना भिगो दें। दूसरे दिन शनिवार को इसे सरसों के तेल में भून लें। इसके 3 हिस्से कर लें, उसमें से एक हिस्सा घोड़ा या भैंसे को खिला दें, दूसरा हिस्सा कुष्ठ रोगी को दे दें और तीसरा हिस्सा अपने सिर की घड़ी की सुई के उल्टी तरफ 3 बार वार कर किसी चौराहे पर रख दें। यह प्रयोग 40 दिन तक करें, कारोबार में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल या सुझाव चल रहा हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहें। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।